बिलासपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष ठाकुर व NSUI जिला अध्यक्ष अभिषेक भारद्वाज की संयुक्त अध्यक्षता में छात्रों की प्रमुख समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आशीष ठाकुर ने बताया कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी के निर्देशानुसार ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये धरना छात्रों की मुख्य मांगों को लेकर किया गया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस मांग करती है कि विश्वविद्यालय के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए तथा तृतीय वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि जब छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही हैं। आशीष ठाकुर ने कहा कि महाविद्यालय के सभी छात्रों को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई जाए, साथ ही प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान जिन छात्रों के परिवारों के सदस्यों की जान चली गई है उन विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। ऑनलाइन स्टडी करना की उन्होंने की, तो आज स्टडी ऑनलाइन हुई बट आज ऑफलाइन एग्जामिनेशन की जो बात विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, जो कि एक तरह से बच्चों के साथ अन्याय है। तो बच्चों का ढंग से पढ़ाई हुआ ही नहीं तो कौन से बेसिस के ऊपर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो ऑफलाइन एग्जाम्स की बात कर रहा है। तो इसको लेकर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के निगम भंडारी जी और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह जी, तो हमने उन्होंने निर्णय लिया और एक संयुक्त धरना प्रदर्शन NSUI और युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में जो विद्यालय प्रशासन है उनके खिलाफ किया जा रहा है। अब 1 तारीख से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो हमारा प्रदेश सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि जो छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाए और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाए। आपको सर विदित है कि जो कोरोना महामारी है उसने पूरे विश्व को जो निचोड़ रख दिया है, इसमें जो छात्र वर्ग है उनका अफेक्ट हुआ है और जिसमें छात्रों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि कुछ दिनों हमारी मुहिम चाहिए फर्स्ट वैक्सीनेशन देन एग्जामिनेशन रिमोट एक्ट स्टूडेंट्स, वो पिछले कुछ दिन सोशल मीडिया के थ्रू जो है छात्र वर्ग वो सरकार से लगातार मांग कर रहा है और हमने भी SJ महोदय के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके माध्यम से जयपाल महोदय को NSUI को ज्ञापन सौंपे हैं, पर सरकार का के ऊपर कोई भी जो है एक्शन नहीं है। तो हमारी मांगें सिर्फ इतनी हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है नहीं लगी गई है, जिससे कि उनको और उनके परिवारों को खतरा है और जो पिछले कुछ कोरोना काल में जिनके छात्रों की डेथ हो गई है उनको सरकार है फ्री एजुकेशन के बारे में कुछ सोचे, सरकार इसमें कुछ भी नहीं सोच रही है। तो हमारा बस यही मांग है सरकार से कि छात्रों के हितों की रक्षा आपको करनी होगी और आपकी जिम्मेवारी।